हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सिप्ला स्टॉक के बारे में और इसका टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस स्टॉक पर, तो इस स्टॉक का हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टॉक के सपोर्ट की बात करें, स्टॉक का सपोर्ट निकल करके आता है 1187 के आसपास, ठीक है। वहीं एक रेजिस्टेंस भी स्टॉक फेस कर रहा है, वो लेवल है 1276 का। इसके बीच में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपको वेट करना है किसका, ब्रेकआउट होने का। ब्रेकआउट होने का वेट करना है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 1280 के आसपास, ठीक है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, आगे क्या लेवल स्टॉक का हो सकता है, टारगेट क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो मंथली चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं इसके सिवा, तो अब हमें खुद से ही फाइंड करना होगा रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस और टारगेट। तो यहाँ पे 853 से लेकर के 1180 का बीच का गैप है, यानी कि समथिंग 300 रुपये का। तो आप यहाँ से 1480 रुपए का टारगेट सोच करके चल सकते हैं, ठीक है। 1480 रुपए का टारगेट मान करके चल सकते हैं। तो स्टॉक में बाय करना है ब्रेकआउट पर, यानी कि 1280 के आसपास के, और टारगेट आप रख सकते हैं 1480 के आसपास का, ठीक है। यदि स्टॉक में सपोर्ट टूटता है तो आपको स्टॉक से निकल जाना है। फिर स्टॉक में आपको नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, समथिंग 1000 या फिर 900 रुपए तक स्टॉक आता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक पर नजर बना करके रखें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।